आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। बीजेपी जो इस वक्त केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, देश के कई राज्यों में है, वो अपना स्थापना दिवस मना रही है। 42वां स्थापना दिवस आज बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है। कई सारे बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, ध्वजारोहण के कार्यक्रम जिलों में, मंडल स्तर पर, जगह जगह पर कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को बताते हुए नजर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम आज से शुरू हो रहे हैं और 14 अप्रैल तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक ये कार्यक्रम जो है वो इसी तरह से चलते रहेंगे। 42वां स्थापना दिवस बीजेपी के लिए काफी अहम भी है, क्योंकि शून्य से शिखर तक पहुंचने का ये जो करिश्मा बीजेपी ने किया है, ये सच में बहुत ही अहम है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से देश के कई राज्यों में और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनकर के बीजेपी उभरी है, ये अपने में एक बहुत ही अहम जो माइलस्टोन है उसे टच करना बोला जा सकता है या फिर देखा जा सकता है। क्योंकि बाकी राजनीतिक दलों की बात करी जाए तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर केंद्र हो, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बीजेपी के सामने काफी कम महसूस इस वक्त कर रही होंगी, और चुनाव के बीते हुए नतीजे भी कुछ इसी तरह से बताते आए हैं। बीते सालों में देश उत्तर प्रदेश में कई सारे चुनाव हुए, कई प्रदेशों में चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, और जो नतीजे आए उस नतीजों के आधार पर यह कहना बहुत ही अहम और आसान है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने दूसरे राजनीतिक दलों के लिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में राजनीतिक जो गठजोड़ था, राजनीतिक जो कायाकल्प थे, जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पर चुनाव को ला करके, विकास की बात को ला करके, योजनाओं की बात को ला करके राजनीतिक दल जो कि दूसरे विपक्षी थे उनके लिए काफी समस्याएं खड़ी कर दी हैं। ये 42वां स्थापना दिवस बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये 42वां स्थापना दिवस देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के दौरान मनाया जा रहा है। 42वां स्थापना दिवस, 75 साल आजादी के भी हो चुके हैं। इसके अलावा कई और अहम मुद्दे हैं, जिसमें ग्लोबल ऑर्डर है, इसमें भारत में नई जो संभावनाएं हैं रोजगार को लेकर के, निवेश को लेकर के, डिजिटली संभावनाएं हैं, कई सारी प्रमुख संभावनाएं हैं, उनको बढ़ावा भी मिल रहा है, और उस दौरान बीजेपी का ये 42वां स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। इसके अलावा अभी बीते दिनों 4 राज्यों में डबल इंजन की सरकार बीजेपी की बनी है, केंद्र में भी बीजेपी है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो जाहिर सी बात है ये अपने में बहुत ही अहम चुनाव भी बीता है, वो भी उस दौरान जब हम आज़ादी के 75 साल भी मना रहे हैं, और उस दौरान जब बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस भी मना रही है। इसके अलावा 2 सीटों से लेकर 300 से ज्यादा सीट जीतने वाली बीजेपी इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा में 300 प्लस उनके सांसद हैं, राज्यसभा में पहली बार किसी राजनीतिक दल के 100 से ज्यादा सांसद हो रहे हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी अहम, काफी मजबूत करती हुई नजर आ रही हैं। ये बता रही हैं कि बीजेपी लगातार पूरे साल भर चुनावी मोड में रहती है, उनका जो थिंक टैंक है वो काफी मजबूत है, उनके जो नेताओं की लॉबी है वो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग प्रदेशों में जा करके जनता को अपनी योजनाओं के बारे में बता करके, और ये बता करके कि विपक्षी अगर आपके बीच में सत्ता में नहीं है तो क्यों नहीं है, और उसका असर जनता के बीच में डाल करके ये जाहिर सी बात है सिद्ध करता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक दलों से ज्यादा और आगे सोच रही है। लगातार बीजेपी की तरफ से प्रयास है, लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिशें हैं कि जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई हैं उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए, और उन योजनाओं के बारे में बता करके आगे के चुनाव की रणनीति भी तय करी जाए। 24 का चुनाव आना है, आज स्थापना दिवस है बीजेपी का, और उस दौरान भी
जो पक्के घर बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं लोगों को, जो शौचालयों का निर्माण करवाया गया है, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, घर घर जल, गरीबों के बैंक खाते, इस तरह की प्रमुख योजनाओं के बारे में जनता को बता करके ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि बीजेपी ने आखिरी घर तक सरकारी योजना पहुंचाने की पूरी कोशिश की है और उसका लाभ भी बीजेपी को भी मिला है, जनता को भी मिला है। 22 के चुनाव में आपने देखा ही जिस तरह से सारे मुद्दे एक तरफ हो गए थे और बीजेपी का ये जो राशन स्कीम था ये कहीं ना कहीं एक तरफ हो गया था और उसी राशन स्कीम के बलबूते पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 37 साल बाद मिथक को तोड़ते हुए रिपीट जीत दर्ज की। ये बता दिया दूसरे राजनीतिक दलों को कि उत्तर प्रदेश में दो बार जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं तो जनता आपको जिताएगी, ऐसा नतीजे बताते हैं। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनता को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने परिवारवाद के बारे में भी बहुत अहम बातें बोली हैं। उन्होंने कहा कि पुराने राजनीतिक दल, चाहे वो देश में हो या किसी प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात हो रही थी, कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की बात भी कही जा सकती है, ये कहा प्रधानमंत्री ने कि परिवारवाद ने देश को काफी नुकसान में पहुंचाया, युवाओं को समस्याओं में डाला, युवा अब समझ चुके हैं कि इस परिवारवाद की वजह से ही उनका जो भविष्य था वो अधड़ में था। ये परिवारवाद की ही राजनीति थी कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में रोजगार की समस्याएं उत्पन्न हुई, देश में कई और समस्याएं उत्पन्न हुई और अब युवा जो है वो जाग गया है। प्रधानमंत्री जी ऐसा कह रहे थे कि युवा अब जाग गया है और युवा जान रहा है कि परिवारवाद वाली पार्टियों को बाहर करना है, क्योंकि परिवारवाद वाली पार्टियां लोकतंत्र की दुश्मन है। ये ऐसी अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। उनका सीधा तात्पर्य किस राजनीतिक दल से है ये मैं नहीं जानता हूं, मैं इस चर्चा के जरिए जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये परिवारवाद वाली जो पार्टियां थी जिन्होंने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने युवाओं के हक को छीना, वो राजनीतिक दल कौन से थे, और अगर वो राजनीतिक दल अपने आप को समझ रहे हैं कि इंगित उन्हें किया जा रहा है तो उनका जवाब क्या है, मैं इस डिबेट के जरिए जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं टॉपिक पर लौटता हूं, परिवारवाद को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें जो देश प्रदेश में काम करती थी उनका सिर्फ मूल मंत्र एक रहता था, वो रहता था कि भेदभाव और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैलाने की कोशिश करी जाती रही है किसी भी सरकार में, और इसका खामियाजा जो है वो आम जनमानस को, आम जनता को, प्रदेश के विकास को भुगतना पड़ा है। इस तरह की प्रमुख बातें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही कि हमारी सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, हमारी योजनाएं जनता के लिए होती हैं। और अभी आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जब दूसरी बार उत्तर प्रदेश में काबिज हुई है तो 100 दिन के एजेंडे के साथ काम कर रही है। उसने साफ तौर पर कहा है कि नेता मंत्री अपना पूरा जो खाका है वो तैयार कर लें कि 100 दिन में कितना काम करेंगे। रोजगार की दृष्टि में सरकार ने बेहतर काम करने के वायदे किए हैं कि 100 दिन में हम 10,000 रोजगार प्रोवाइड कराएंगे। कई सारी अहम बातें सरकार की तरफ से कही गई हैं और जितनी स्कीमें सरकार ने, चाहे वो आवास के नाम पर हो, शौचालय के नाम पर हो, राशन स्कीम के नाम पर हो, जो 3 महीने अब बढ़ा दी गई है, 24 का चुनाव है वो अभी आगे और बढ़ेगी, इन सारी योजनाओं का जो फायदा बीजेपी को मिल रहा है आखिर विपक्षी दल उस पर क्यों नहीं आज तक सोच पाए, ये भी एक अहम सवाल है। तो आज की इस डिबेट के जरिए मैं जानने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर बीजेपी का ये स्थापना दिवस, बीजेपी का ये आरोप परिवारवाद वाला, ये किस राजनीतिक दल के लिए था, और अगर उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में परिवारवादी पार्टियों ने लोकतंत्र को खतरा पहुंचाया तो क्यों पहुंचाया, इन राजनीतिक दलों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि जनता के लिए काम करना है जैसा बीजेपी कर रही है, जैसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस चर्चा को शुरू करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि हमें भारत के प्रति समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है कि भारत के कोटि कोटि नागरिकों की श्रद्धा, रास्ता का केंद्र बिंदु
भारतीय जनता पार्टी बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई। लखीमपुर में भी पंचायत के चुनाव में हमारी माताएं बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए। अभी एटा में जिस तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से पर्चे नहीं भरने दिया। तो ये आज वो दो प्रमुख बयान, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और दूसरा विधानमंडल दल के नेता, विपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, जहां वो कन्नौज में थे और वो इस बात को कह रहे थे कि सीरियल किलर है बीजेपी और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की हत्या करती थी और एक तरफ अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। फिलहाल मैं इस चर्चा को शुरू करता हूं और अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराता हूं। हमारे साथ हेमंत गोयल साहब हैं बीजेपी से, इसके अलावा मयंक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, प्रदीप तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रदीप तिवारी जी आपके पास आना चाहूँगा। प्रदीप भाई, आज बीजेपी का स्थापना दिवस था, वो अपनी योजनाएं बता रहे थे, सब कुछ ठीक था। उन्होंने बताया कि क्या किया क्या नहीं किया, कहां से आए थे, कहां तक पहुंच गए हैं, कितनी सीटें जीत चुके हैं, कितनी और सीटें जीतना है, कहां कहां जीत रहे हैं, सब कुछ बता रहे थे। लेकिन ये बीच में प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद को लेकर के बोल दिया कि पिछली सरकारें परिवारवाद को बढ़ावा देती थी, लोकतंत्र उससे खतरे में था, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, कई सारी चीज़ें बोली और कई और अहम बातें बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि परिवारवादी राजनीतिक दल अगर देश से नहीं हटाए गए तो लोकतंत्र खतरे में बना रहेगा। तो आपकी नज़र में ये परिवारवादी राजनीतिक दल कौन है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी के अलावा इससे पहले आप ही लोग थे, लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस के लिए ही कहा गया है, तो क्या कांग्रेस के लिए कहा गया है? अगर कहा गया है तो आपका उसमें क्या पक्ष है? जिस तरीके से आज बीजेपी ने अपने स्थापना दिवस पे प्रधानमंत्री जी के संबोधन के द्वारा बताया गया कि परिवारवाद के प्रधानमंत्री जी बड़ा खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है, तो पहले तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जो थी वो परिवारवाद के खिलाफ नहीं है, वो एक परिवार के खिलाफ, वो गांधी परिवार है उस परिवार के खिलाफ है। उनका किसी परिवारवाद के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है। अगर वो परिवारवाद के खिलाफ एजेंडा चलाते और उसको लेकर उनके अंदर एक लेश मात्र की भी गंभीरता होती तो आज किस तरीके से आप देख रहे होंगे, उन्होंने जब कोई समाजवादी पार्टी में अर्पणा यादव होती है, शिवपाल यादव रहते हैं वहां पे, तो ये परिवारवाद की दुहाई देते हैं, फिर उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित करवा करके वो परिवारवाद वहां से खत्म हो जाता है। इसी तरीके से ये स्वामी प्रसाद मौर्य को लाते हैं, संघमित्रा मौर्य को लाते हैं, परिवारवाद नहीं होता है, उसके बाद परिवारवाद वो खत्म हो जाता है। अपनी खुद की पार्टी के नेता आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे परिवारवाद, तो मैं आपको गिनाना चाहूंगा जी। राजनाथ सिंह की बात करें, बेटे पंकज सिंह, दूसरे बेटे नीरज सिंह राजनीति में आ गए हैं, तैयारी कर रहे हैं अगला सांसद का चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा। फिर आप चले जाइए कल्याण सिंह की तरीके से, राजवीर सिंह उनके पुत्र भी आ गए हैं राजनीति में, विधायक हो चुके हैं। फिर आप चले जाइए, आप राजस्थान जाएंगी तो विजया राजे सिंधिया, फिर वसुंधरा राजे सिंधिया, फिर आपको क्या कहते हैं दुष्यंत सिंह मिल जाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे, आप दिल्ली में चले जाइए तो वेद प्रकाश गोयल, बेटे पीयूष गोयल। फिर आप चले जाइए प्रमोद महाजन, बेटी पूनम महाजन। आप उसके बाद चले जाइए मेनका गांधी, बेटे वरुण गांधी। आप चले जाइए यशवंत सिन्हा, बेटे जयंत सिन्हा। आप आगे देखते रहेंगे बी एस येदुरप्पा, उनके बेटे हैं बी वाई येदुरप्पा। तो इस तरीके से एक लंबी फेहरिस्त है। तो ये परिवारवाद के खिलाफ नहीं है, ये गांधीवाद के खिलाफ है। गोडसे को मानने वाले गांधी को मारने वालों की पूजा करते हैं, जो गांधी पे उनकी प्रतिमा पे गोली चलाने का काम करते हैं, उनको संसद में बैठाने का काम करते हैं। तो बीजेपी का एक एजेंडा है कि किस तरीके से गांधी की सोच को मारना है, किस तरीके से पुजारी हैं भाई, जो गोडसे को पूछते हैं तो उसने उन गोडसे ने गांधी को मारा और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके गांधी की सोच को मारना चाहती है। तो ये चीज आपको और मैं आपके माध्यम से
उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा है। वो परिवारवाद के खिलाफ नहीं है, वो एक परिवार के खिलाफ है, अच्छा, एक सोच के खिलाफ। कई सारे नाम आपने गिनाए प्रदीप भाई, कौन नेता है, कौन उनका बेटा है, कौन बीजेपी में काम कर रहा है, लेकिन एक बात और कही गई है कि लोकतंत्र को खतरा था पुरानी पार्टियों से जो परिवारवाद के साथ थे। आपने कई सारे नाम गिना डाले हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी के इन नेताओं से लोकतंत्र को खतरा ना हो। देखिए मैं फिर बता दूं कि लोकतंत्र को खतरा किससे होता है। लोकतंत्र को जब जो आप देखते हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, उस चुनाव से पहले मीडिया में प्रोपेगेंडा चला दिया जाता है। किस लिए चलाया जाता है कि जो यहाँ पे मुख्य मुकाबला है, मुख्य मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। क्या एजेंडा था इसके पीछे चलाने का? एक ही एजेंडा था कि हिंदू मुस्लिम वाली बातें होंगी, समाजवादी पार्टी आएगी वो किसी किसी पक्ष का पक्ष रखेगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी वो किसी पक्ष का पक्ष रखेगी और पूरा चुनाव पोलराइज हो जाएगा। अच्छा। और वही हुआ भी, वही जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी वो किस तरीके से मीडिया को यूज कर रही थी उसमें भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जानबूझ के आप लोगों को कॉम्पिटिशन से ही बाहर कर दिया गया शुरुआत से ही? जी बिल्कुल। देखिए आज आप मैं मीडिया का इस देश की प्रगति में और इस देश के जिस तरीके से इस देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका बहुत बड़ा योगदान है इस देश की प्रगति से लेकर के अगर इस देश में आने वाले समय में भी कुछ भी गलत भी घटता है तो उसके लिए भी मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अच्छा। मीडिया उसके लिए भी जिम्मेदार होगी कि किस तरीके से आप किसी का महिमा मंडन करते चले जाते हैं, आप किस तरीके से ये नहीं बताते हैं कि जब अमित शाह जी आते हैं अगर उनको अपनी योजनाओं पर इतना विश्वास था, कैराना में जा करके क्यों भाई याद दिलाते हैं उन दंगों की? उन दंगों की दंगों से डराने का काम किसको किया जाता है? अगर आपने योजनाएं, मैं मानता हूं अगर किसी योजना से देश के अंतिम व्यक्ति को फायदा मिल रहा तो आप उसका प्रचार प्रसार करिए ना, उसकी बातें करिए। चुनाव 2022 के आपको जीत मिली है, जनता ने आपको चुना, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, उनकी भावनाओं पर आप खड़े उतरिए। मगर जो मुद्दे थे जिनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, बेरोजगार की लड़ाई, किसान की, महिला की, उस हर एक व्यक्ति की लड़ाई आगे भी कांग्रेस पार्टी जारी रखेगी और कांग्रेस पार्टी हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ेगी जिसके साथ में बीजेपी सरकार जो 2022 में चुन करके आई है उत्तर प्रदेश को, या देश में जो मोदी जी की सरकार है जो सिर्फ खोखले वादे, जुमलों जुमले जैसे वादे किए रहते हैं और उनको पूरा करने के नाम पे सिर्फ उनके पास एक सुन नहीं होता है, उनके लिए संघर्ष कांग्रेस पार्टी का जारी रहेगा जब तक कांग्रेस पार्टी इस भ्रष्टाचारी ये धोखेबाज सरकार को सत्ता से बेदखल नहीं करती। ठीक है प्रदीप भाई, मैं आता हूँ। मयंक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए। मयंक भाई, एक अहम सवाल आज अखिलेश यादव ने भी खड़ा किया, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्यारी परिवारवाद वाली पार्टियां होती थीं और अखिलेश यादव ने कह दिया कि लोकतंत्र की हत्यारे तो खुद बीजेपी वाले हैं। महंगाई को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को जिताया है तो बीजेपी इनाम के रूप में महंगाई दे रही है जनता को। कांग्रेस आने वाले दिनों में महंगाई को लेकर के देशव्यापी प्रदर्शन करेगी, आपके नेता फिर खाली बयान दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो दोनों बयानों का और दोनों सवालों का जवाब मैं चाहूंगा कि आप दें। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा है कि ये लोग सीरियल किलर की तरह है, ये लोग महंगाई के सीरियल किलर है भारतीय जनता पार्टी वाले। और जब से योगी आदित्यनाथ जी की 2.0 एक नया गढ़ा गया है, जब से सरकार आई है तब से गाजियाबाद और बुलंदशहर में दोनों शहरों के जो अपराधी हैं सत्ता संरक्षित उनमें ये होड़ चल रही है कि मैं ज्यादा अपराध कर सकता हूँ तुमसे, बुलंदशहर ज्यादा अपराध कर सकता है, गाजियाबाद ज्यादा अपराध कर सकता है। फिर उसमें कानपुर जो एक समय कांडपुर रहा वो कांडपुर भी कहता है कि मैं तुमसे पीछे क्यों रहूं, वहां तो एक नई तरह की चोरी होती है, वहां लॉकर से ही पैसा गायब हो जाता है, लॉकर से ही वहां पर जेवरात गायब हो जाते हैं और सरकार को कुछ पता ही होता है, बैंक को कुछ पता ही नहीं होता है। ठीक। और जहां बात आती है परिवारवाद की तो मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को इस पर बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम गृह मंत्री अमित शाह जी को ले लिया गया, उनके बेटे के अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत है कि वो बीसीसीआई में बैठा हुआ है। अभी दो दिन पहले जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका बेटा ग्वालियर क्रिकेट संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया, इनके बेटे के अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत है जो ये लोग सीधे आकर उपाध्यक्ष बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, सचिव बन जाते हैं, माल काटने लगते हैं, भाई कौन सी क्रिकेट खेली इन्होंने। और रही बात महंगाई पर जो बयानबाजी हो रही है, समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा था चुनाव बीतते ही महंगाई बढ़ेगी,
डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे, दाल के दाम बढ़ेंगे, चावल के दाम बढ़ेंगे, गेहूं के दाम बढ़ेंगे, घरेलू जरूरतों के जितने भी रोजमर्रा की जरूरतों के सामान होते हैं उनके दाम बढ़ेंगे। और समाजवादी पार्टी सिर्फ बयान ही नहीं देती है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि रिटर्न गिफ्ट जनता को मिला है, जो जनता ने 273 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है। आखिर भारतीय जनता पार्टी 273 सीटों का रिटर्न गिफ्ट जनता को क्या देती है? जनता को भी तो यह एहसास होना चाहिए कि जब जो पूरा चुनाव जो महंगाई के मुद्दे पर लड़ा जा रहा था, रोजगार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा था, और जिसके खिलाफ लोगों में गुस्सा था, जिस पार्टी के खिलाफ, उस पार्टी को ही मैंडेट मिला, तो ये एक बड़ी चीज है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो जीती है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जनता ने कहीं ना कहीं उनको चुना है, महंगाई के मुद्दे पर चुना है कि वो आएंगे तो महंगाई बढ़ाएंगे तो जनता का उसमें विकास होगा, वो आएंगे रोजगार घटाएंगे जनता का उसमें विकास होगा, ये भी एक देखने वाली चीज है। फिलहाल रही बात, हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग महंगाई के मुद्दे पर अभी क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी यूपी के विधान परिषद चुनावों में भाग नहीं ले रही है, समाजवादी पार्टी अभी विधान परिषद का चुनाव चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी खुलेआम गुंडाई कर रही है, कभी पीडीसी को धमकाती है, कभी प्रधान को धमकाती है, कभी पार्षद को धमकाती है, तो हम लोग अभी चुनाव में व्यस्त है। आपके प्रत्याशी देखिए खुलेआम गुंडाई हो रही है, और जो ये प्रोपेगंडा देखिए, चार लोग जाकर एक बैनर लहरा देने से महंगाई का विरोध नहीं, महंगाई का विरोध ऐसा होगा कि जनता को राहत मिलेगी जिस दिन से हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाएगा कि विपक्ष में बाकी कोई पार्टी। देखिए विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, देखिए हिस्सेदारी लेने के लिए आए थे, एक हैदराबादी बिरयानी वाले आए थे भाई साहब, वो हिस्सेदारी नहीं ले पाए, कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि हम हिस्सेदारी लेंगे, भाई कहाँ गए आप लोग हिस्सेदारी लेने आइए, तो मायावती कहती है कि हम हिस्सेदारी लेंगे, भाई आइए, अब तो विधान परिषद का चुनाव चल रहा है कि मायावती और कांग्रेस तो समझौता करके बैठे भाई, यहाँ पर मायावती और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिया, वो लोग विधान परिषद के चुनाव में नहीं है, विधान परिषद चुनावों से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग प्रोपेगंडा लेके आते हैं हल्दीराम का, कि हल्दीराम में उर्दू क्यों लिखा हुआ है, और पूरी कांग्रेस और मायावती की पार्टी के लोग उसमें लग जाते हैं कि महंगाई के मुद्दे पर बात ना हो, क्योंकि वो लोग भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है सिर्फ वही कर रहे हैं। हम लोग अब विधान परिषद का चुनाव हो जाए, बिल्कुल मुखर होकर सड़कों पर ऐसा विरोध प्रदर्शन करेंगे कि जनता को राहत मिलेगी, अगर राहत नहीं मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी को ना तो चने चबाना पड़ेगा कि उन्होंने जो ये रिटर्न टिकट जनता को दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं होगा। अभी तो जो प्रदर्शन होगा, विधान परिषद का चुनाव 9 तारीख को पहले चरण का है, दूसरे चरण का होने के बाद रिजल्ट आते ही हम लोग सड़कों पर आ जाएंगे। ठीक है मैम, ठीक है। हेमंत गोयल साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हेमंत भाई, मैं इसीलिए आपके पास आखिरी में आ रहा हूँ, मैंने कहा कि पहले अपने विपक्षी साथियों की आप बात सुन लें, उसके बाद अपना जवाब दें। पहले कांग्रेस ने कहा कि आपको किसी परिवारवादी पार्टी से समस्या नहीं है, आपको एक परिवार से समस्या है, तो भाई परिवार से समस्या क्यों है? दूसरी चीज, लोकतंत्र खतरे में है ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं, और खतरा भी बीजेपी से है लोकतंत्र को, इसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? ये दो सवाल बड़े बहुत अहम निकले हैं इस डिबेट के दौरान। राधे राधे नितिन जी। राधे राधे सर। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को भगवान योगिराज श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा से, आवाज नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्यारे जी को आवाज नहीं मिल रही है भाई, आवाज सही कराई जाए। जी हेमंत जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को भगवान योगिराज श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा से हेमंत जी की आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है, हमें नहीं मिल रही हेमंत जी की आवाज। हाँ हेमंत जी बोलिए। हाँ बोलिए सर। जी बोलिए हेमंत जी बोलिए। चलिए हेमंत जी की आवाज। भगवान योगराज श्री कृष्ण की जन्मस्थली हाँ मथुरा से जी, भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस की अनंत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं जी। दूसरी बात, जवाब सबसे पहले तो परिवारवाद की अगर ये करते हैं तो जनता ने इनके परिवारवाद को देखा है, भाई भतीजावाद, भतीजा बुआवाद, बहन बहनोईवाद, ये सारे बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समस्त देश की जनता ने देखा है।
अच्छा और तभी देश की जनता ने इन लोगों को नकारा है। इसका जवाब देने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है, ठीक है। इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता इनको दे चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार के इनके परिवारवाद का जवाब दे दिया है। लेकिन इन्होंने मुझे इन्होंने सफाई देने की प्रदीप चौधरी ने, माफ कीजिएगा, प्रदीप जी ने जो कांग्रेस से हैं, उन्होंने काफी सारे नाम आपके नेताओं के भी गिनाए हैं जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है और यहाँ परिवारवाद कहीं नहीं है, यहाँ देवतुल्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। कौन से देवतुल्य है? सिंधिया का बेटा कौन सा देवतुल्य है? राजनाथ के बेटे कौन से देवतुल्य कार्यकर्ता है? वो तो भाई परिवारवाद है। हमारे यहाँ कहीं परिवारवाद नहीं है। अगर ये भाई राजनाथ के बेटे कौन है, सिंधिया का बेटा कौन है, अमित शाह के बेटे कौन है, और लखनऊ मोहनलालगंज से सांसद इनकी पत्नी विधायक है दो बार से, इनका बेटा भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष है, इनका साला मोहनलालगंज से विधायक है, ये सब कौन है? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बोलिए अहमद भाई, अभी बहुत लंबा लंबा बोलेंगे भाई साहब, इनको जवाब। ठीक है, मैं एक भाई, मैं एक भाई सुन लेते हैं पहले। हाँ हेमंत जी, इनको जवाब देने की आवश्यकता हमें नहीं है, इनको जनता ने जवाब दे दिया है, अभी दिया है, बहुत दिन नहीं हुए, ठीक अभी है। तुरंत में ही जनता इनको जवाब दे के चुकी है। कई कई सारे नाम, कई सारे नाम है, कई सारे नाम आपके विपक्षी साथियों ने गिनाए हैं जिनके बेटे जिनकी पत्नी बीजेपी में काम कर रही हैं, अच्छे पदों पर हैं। पार्टी का तो इन लोगों को समस्या रहा है और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अगर वो आए हैं और उन्होंने पार्टी में मेहनत की है, कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने मेहनत की है और उनको अगर इनाम मिला है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो सपा कांग्रेस में अगर कोई कार्यकर्ता आ जाता तो काहे समस्या है आप लोगों को भाई? नहीं, सपा और कांग्रेस में परिवारवाद दुनिया ने देखा है। इन्होंने लंबे समय तक केवल एक परिवार में समेट कर रखा है पूरे उसको, इन्होंने लंबे समय तक रखा है, ठीक है। इनका इतिहास उठा के देखिए, चाहे उस इंदिरा गांधी जी के जमाने से लेकर आज तक देखिए, मुलायम सिंह जी से अखिलेश जी तक देखिए, चाचा भतीजा ताऊ मामा मामी सब सब इसमें पार्टी में है। ये तो जनता ने देखा है, तभी तो इनको नकारा है, ठीक है। तो ये अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि आप लोग लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं, लोकतंत्र से आप लोग को खतरा है? ये लोग मयंक भाई बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए हेमंत जी। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरा भाजपा से या इनको? ये तो जनता ने बता दिया ना इनको, अगर लोकतंत्र से भाजपा से अगर लोकतंत्र को खतरा होता तो क्या आज भाजपा इतने बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती? ठीक है, क्या इस देश की जनता या इस प्रदेश की का वोटर इतना अंधा है? वोटर को नहीं दिख रहा कि लोकतंत्र खतरे में अखिलेश जी से है या आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से? सीरियल किलर बताया है अखिलेश यादव ने आज बीजेपी को। अखिलेश जी कुछ भी बता सकते हैं, उनको कोई स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकते हैं। मैं अखिलेश जी के बारे में अभी अभद्र टिप्पणी कर दूं, ये मेरी कर्मा है, ये वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं, ये उनकी कर्मा है? ये तो अपने अपने संस्कारों का खेल है ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है अहमद भाई, भाई इनका 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 गुंडा राज पब्लिक ने देखा है, इनका गुंडा राज उत्तर प्रदेश जनता ने झेला है और आज सुशासन भी उत्तर प्रदेश जनता देख रही है। ठीक है अहमद भाई, मैं आता हूँ आपके पास। पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़े हुए हैं। पवन जी, आज दो बड़े मुद्दे हैं। पहला तो ये कि बीजेपी का स्थापना दिवस है और उस स्थापना दिवस के दौरान परिवारवाद का मुद्दा, परिवारवादी पार्टियों का मुद्दा सबसे अहम रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र किया। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी दल है, उसके जो प्रमुख नेता हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने बीजेपी को सीरियल किलर बताया है। आप इन दोनों चीज़ों को किस तरह से देखते हैं और आगे क्या राजनीतिक भविष्य उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र का रहेगा बीजेपी के लिए और अन्य राजनीतिक दलों के लिए? नितिन जी, परिवारवाद की बात अगर हम करें तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है, जिसके लिए इस्तेमाल किया है, वो कहीं ना कहीं उसको समझने की आवश्यकता है। जो पार्टी के मुखिया के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, ये पार्टी के सदस्यों और पदाधिकारियों के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा रहा है। अगर
प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं, तो उनका सीधा सीधा निशाना है कि जो उस पार्टी का मुखिया है वो गांधी परिवार तक ही सीमित है। भाजपा जो अपनी पहचान बना रही है, जो एक नई दिशा में काम कर रही है, वहां पे एक नहीं हो सकते। आज नरेंद्र मोदी जी हैं तो कल कोई और हो सकता है, कहां से कौन आके बैठ जाए ये हमारे जो हम लोग समझ पा रहे हैं। ये उनका कहने का तात्पर्य यह है कि परिवारवाद उस स्तर पे जो राजनीति के मुखिया है, चेयर है, यानी प्रधानमंत्री का चेयर हो गया, मुख्यमंत्री का चेयर हो गया, वहां पे एक ही लोग विराज होते हैं। दूसरी तरफ उनका सीधा सीधा हमें तो लग रहा है कि कांग्रेस को कम और समाजवादी पार्टी यानी उत्तर प्रदेश पे निशाना ज्यादा है, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है और 2024 की तैयारी प्रधानमंत्री जी ने अभी से शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख करके, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख करके 2024 में उसकी तैयारियां चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी पिछले माह ही जो चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां समाजवादी पार्टी बहुत पीछे तक गई थी, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं इनके टिकट बंटवारे को लेकर के या आपसी सामंजस्य नहीं बन पाया, अपने अपने लोगों को समझ नहीं पाए अखिलेश यादव जी, उस पर भी उनको काफी पीछे आना पड़ा, नहीं तो एक अच्छी मजबूती लड़ाई में अखिलेश यादव सीट बढ़कर के भी आई है, कहीं ना कहीं कई सीटों पर। जी जी, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि 2024 में अगर अखिलेश यादव इसी गति से लड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। फिलहाल कांग्रेस तो हमारे ख्याल से आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने विधानसभा का रिजल्ट जो देखा है उसमें कांग्रेस की हालात भी हम लोगों ने देख लिया है और बहन मायावती जी की भी हालात हम लोगों के सामने था। अब उत्तर प्रदेश में अगर कोई राजनीति में लड़ाई में आ रहा है तो हमें लग रहा है समाजवादी पार्टी के ऊपर आक्रमण इनका, जो मोदी जी हमारे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के ऊपर ज्यादा इनका आरोप होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में केजरीवाल भी अच्छी पकड़ बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लोकसभा में वो आते हैं नहीं आते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन जो है कांग्रेस से ज्यादा डर अगर नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, यानी भारतीय जनता पार्टी को है तो वो समाजवादी पार्टी से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नितिन जी, एक और अहम चीज है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है पवन जी कि युवाओं को काफी नुकसान पहुंचा है बीते राजनीतिक दलों की तरफ से जो देश और प्रदेश में काबिज थे, तो युवाओं की दृष्टि से आप इस बयान को कितना सही मानते हैं, क्या सच में ऐसा हुआ है? अब उत्तर प्रदेश के लिए तो ये 100% सही माना जाएगा। अच्छा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पिछले 25-30 सालों की जो राजनीति रही, मयंक यादव सुनिएगा इस बात को, जो उत्तर प्रदेश की जो पिछले 25-30 साल की जो राजनीति रही, जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की रही हो, बहुजन समाजवादी पार्टी की रही हो, कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ युवा थे उत्तर प्रदेश के, उनकी हालात बस से बदतर हो गई थी। अच्छा। कोई भी रहा हो, और आज भी जैसे अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे हैं लोगों की नजर में, अपने कार्यकर्ताओं की नजर में, लेकिन आम पब्लिक की नजर में अच्छाई से ले नहीं है कि वो जो लड़ाई करते हैं वो ट्वीट से करते हैं, ट्वीट से धरना प्रदर्शन नहीं होता है, सड़क पे आना होगा, जब सड़क पे इनके कार्यकर्ता मार खाए होते हैं तो बाहर घूमते हैं, ये सबसे धरातल पे काम करना होगा, अपने कार्यकर्ताओं को समझना होगा। अखिलेश यादव बहुत सारे सीट इस बार गवा दिए हैं क्योंकि इनके अच्छे उम्मीदवार को हटा करके बाहरी लोगों को टिकट दिया था, ये बहुत सारी बातें हैं। और युवाओं के लिए अभी भी हालात ठीक नहीं है, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो, ये हम आप भली बात जानते हैं। बेरोजगारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पे नियंत्रण, लेकिन अब इस पे देखिए धरातल पे काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लेकिन उसका स्तर कहां तक आ रहा है, कहां तक की सफलता पाती है भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ कहां तक मिलता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक ना तो रोजगार सही मायने में है और ना ही लोगों की बिजनेस व्यवहार इस पर ध्यान दे रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रदीप जी क्या कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे आप जब मयंक यादव बोल रहे थे? मयंक जी जिस तरीके से अभी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हम जगेंगे और जग करके महंगाई का विरोध करेंगे। पिछली बार 2022 के चुनाव के पूर्व भी देखे होंगे कि आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे बेरोजगार परेशान रहा, उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ हो, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ हो, लखीमपुर जैसे किसानों के साथ में घटना घटी हो, तो सड़क पे लड़ाई कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी लड़ा रहे थे। अखिलेश यादव जी और मायावती जी की बात करें तो वो ट्विटर उसी पे ट्विटर पे विरोध चल रहा था। अभी भी विरोध क्यों नहीं करते, इसके पीछे समझना पड़ेगा। भाई मुलायम सिंह यादव जी जब प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए शुभकामना दे देते हैं, जा करके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से मिलते हैं, तो उसके पीछे क्या राज होता है? राज ये होता है कि भाई रिवर फ्रंट घोटाला हुआ है, उसकी जांच ना हो। 5 साल बीत गए, भारतीय जनता पार्टी ने रिवर फ्रंट घोटाला
चिल्लाती तो रही मगर उस फाइल की जांच में क्या रिपोर्ट आई आज तक ठीक नहीं की। करोड़ों रुपए पानी में बह गए मगर उसकी जांच नहीं हुई। शिवपाल सिंह यादव जी की देख रेख में किस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक में पैसा ले लेकर के भर्तियां की गई, फाइल जांच में है, पड़ी हुई है, दबी हुई है। इस बार शिवपाल सिंह यादव जी फिर से मुलाकातें चालू कर दी है। भाई कोई ना कोई परिवार का जा करके भाई अपना सेटअप कर लो और विरोध के नाम पे खाली ट्विटर करते रहो सड़क पे। अच्छा, मतलब ये सेटअप वेटअप भी जानबूझ के किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की आपसी एक डील है। आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि शिवपाल जी वाला ये जो मैटर है, ये जो मामला चल रहा है, ये भी जानबूझ के किया जा रहा है सपा की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हमारे मित्र ये बताएंगे कि पिछले 5 साल में रिवर फ्रंट घोटाले की जो फाइल जांच में चल रही थी उसमें क्या हुआ, वहां पे बुलडोजर क्यों नहीं चला दोषियों के ऊपर, क्या हुआ, कितने लोग जेल गए। आने वाले, मैं आपको फिर आज एश्योर करता हूँ, आने वाले 5 साल बीत जाएंगे, आप ये अंदर खाने इनकी सेटिंग चल रही है। अच्छा। फिर 5 साल बीत जाएंगे, आप देखिएगा कि रिवर फ्रंट घोटाला ही रह जाएगा, कोई उसमें दोषी जेल नहीं जाएगा। इस तरीके से दोषी तो बता दिया कि अखिलेश यादव दोषी है, इसके शिवपाल यादव दोषी है, क्या बुलडोजर चलाएंगे। इतनी आप में मानवता बची है कि आप जिन आम लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, आप चलाइए भाई रिवर फ्रंट घोटाले में जो दोषी पाए जाते हैं। तो विरोध के नाम पे इस बार भी समाजवादी पार्टी आपको घरों में ही नजर आएगी। ठीक है, बस ठीक है, मयंक यादव। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, मैं अभी जो हमसे हमारे से पहले जो मित्र हमारे बैठे हुए हैं वो बता रहे थे कि वो वरिष्ठ पत्रकार है या जो भी है, मैं समझ नहीं पाया कौन है वो, तो वो कह रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी वो कांग्रेस के जो मुख्य पद पे बैठे हुए हैं उनसे उनकी नाराजगी है, परिवारवाद वो उसको कह रहे हैं कि वो तो, और वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार को मिल जाता है पद, तो पहले जानकारी हासिल करना चाहिए कि 1885 से कांग्रेस के आज तक की कितने प्रेसिडेंट हुए, 97 जो प्रेसिडेंट हुए हैं उनमें से कितने, 80 प्रेसिडेंट जो हुए हैं वो गैर नेहरू और कांग्रेसी ने, गैर नेहरू और गांधी परिवार के हुए हैं, ये जानना पड़ेगा। कहने के लिए आप कहने लगी है कि नहीं हाँ सब गांधी परिवार के ही बन रहे, नहीं, पहले जानिए। और अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति मेहनत करता है और उसको चुन करके अध्यक्ष के लिए, मैं एक कार्य करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे अध्यक्ष अगर सोनिया गांधी हूँ तो उसमें दूसरी पार्टी के व्यक्ति को क्या ऐतराज हो सकता है। मैं ऐतराज नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई आपने क्यों बना दिया जेपी नड्डा जी को, क्यों बना दिया अमित शाह जी को, बना दिया गृह मंत्री बना दिया, और उनके लड़के के अंदर कोई काबिलियत नहीं थी, आपने उसको बीसीसीआई का सचिव बना दिया, क्या काबिलियत थी आपको बताना चाहिए। ठीक है, वो चीजें आप नहीं बताएंगे। ठीक है ठीक है, मैं क्या दो सुना आपने किस तरह से पवन श्रीवास्तव जी ने कहा कि हाँ ये बात सही है कि बीती सरकारों में युवाओं की स्थिति जो थी वो काफी बदतर थी, बड़ा सवाल है ये जो पवन श्रीवास्तव जी ने कहा है। देखिए मैं बधाई दूंगा सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को और पवन जी को भी, क्योंकि पवन जी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से दिली जुड़ाव रखते हैं और मेंबर भी होंगे। मैं इन लोगों को बधाई दूंगा कि आज उनकी पार्टी का स्थापना दिवस है, और दूसरी बधाई इसलिए दूंगा कि इन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव जीता है। लेकिन इनकी 2022 विधानसभा चुनाव जीतने की सबसे बड़ी, इनको अगर किसी को बधाई देनी चाहिए, गंगा जल, यमुना जल, सभी नदियों का जल ले जाकर मायावती के चरण इनको धोने चाहिए, क्योंकि इन लोगों की जीत मायावती की वजह से ही हुई है। अच्छा, खैर अब मैं बताना चाहूंगा, अगर रोजगार की बात माननीय पवन जी बता रहे थे तो इनको डेटा उठाकर चेक करना चाहिए, आपको डेटा उठाकर चेक करना चाहिए, पिछली सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो रोजगार का जो रोजगार दिए गए उनका आप स्तर चेक करिएगा, फिर उसके बाद हम आप बहस करें, क्योंकि अभी लिखित हमारे पास भी नहीं है, लेकिन मुझे इतनी बहुत अच्छी तरह से जानकारी है, योगी आदित्यनाथ से लगभग दोगुने रोजगार अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 की सरकार में दिए थे। और रही बात प्राइवेटाइजेशन, जो ये लोग संस्थाएं बेच बेच कर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी ने आईटी सिटी बनाई, डायल 100 में प्राइवेट रोजगार की व्यवस्था की, मेट्रो में रोजगार की व्यवस्था की, आपका इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रोजगार की व्यवस्था की, ये आप जोड़ लेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, जो आप भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं सत्ता में, आपके घर पे बुलडोजर ना चले इसलिए आप विरोध नहीं करना चाहते, राजनीतिक विश्लेषक होने से अच्छा आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जो अभी कह रहे थे परिवारवाद के बारे में कि इनकी पार्टी के जो परिवारवाद है, जो नेताओं के बेटे हैं वो एज अ कार्यकर्ता काम करते हैं फिर नेता बन जाते हैं, मतलब तुम करो तो अच्छा, हम करें तो वो चोरी, भाई साहब
मयंक जी परिवारवाद जो है वो मयंक जी सच्चाई एक्सेप्ट करना सीखिए, मयंक जी सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखिए पहले, सुनिए मेरी बात, सुनिए जितना नेता जी सुनिए ना, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, मयंक जी पहले सुन लीजिए आप, ना हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, सुनिए ना हमें हेमंत भाई, हेमंत भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, सुनिए पहले मयंक जी मेरी बात सुन लीजिए पहले आप, इंडिया का लड़का कहां क्रिकेट खेलता था अमित शाह, मयंक जी पहले मेरी बात सुनिए, आप बताइए, आप डेटा के साथ बैठिए, हमारे पास अब डेटा है उपलब्ध, आप ऐसे अनर्गल बात मत करिए, आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं, हम पार्टी बेसिक पे नहीं है, नहीं, किसी भी पार्टी के नहीं, नहीं आपने कौन सा रोजगार दिया 12 से 17 में, आप बताइए कौन सा रोजगार आपने दिया 12 से 17 में, एक भी योजना आपकी पूरी हो पाई, जितनी योजनाएं आपने 12 से 17 में किया कोई योजना, केवल फीता काटने से योजना पूरी हो जाती है, कोई योजना फीता काटने से पूरी नहीं हो जाती है, ये भी ध्यान में रखिए, और हमने केवल सपा सुनिए, हमने केवल सपा बसपा पे नहीं आरोप लगाया है, 2022 के बीच में कितने रोजगार दिए, प्रदीप भाई मैं आऊंगा आपके पास, हाँ मयंक जी, जनता पार्टी पूरे प्रवक्ता की भूमिका में आ गए, और देखिए और अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हमारा नेता जी ने एक सामाजिक कार्यक्रम में एक नेता थे उनके यहाँ पारिवारिक कार्यक्रम था, वहां भागवत जी से मुलाकात हो गई, उसको ये लोग कह रहे हैं कि ये मिल लिए, अब इनको मैं बताना चाहूंगा अगर आप लोग वाकई भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई करना चाहते हैं तो विधान परिषद के चुनाव में आपने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, क्योंकि आप आपकी पार्टी का कोई यहाँ पे हैसियत ही नहीं बची है, जनता आपको पूछती नहीं है, जो आपके पास एक दो विधायक है वो समाजवादी पार्टी की देन है कि वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे थे, वरना आपके पास वो भी विधायक ना होते यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में आपका सफाया हो चुका है, ये चार लोग आके हो हल्ला करने से फोटो खिंचा लेने से विरोध नहीं हो जाता, मयंक भाई मयंक भाई विरोध करने के लिए बकायदा आपको एक टीम चाहिए होती है, ठीक है मयंक भाई, मयंक भाई प्रॉपर मुद्दों पर बहस करे, आपके एक प्रवक्ता हरियाणा और गुजरात से आ जाते हैं यहाँ डिबेट कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने विरोध कर, मेरा सवाल है मयंक, मेरा सवाल है आपसे मेरा सवाल है, पवन जी अभी इस बात को कह रहे हैं कि आप बताइए कि 12 से लेकर 17 तक कौन सा रोजगार आप लोगों ने दिया, तो कह रहे हैं कि आप 2016 में उनको स्थायी कर दिया गया, ठीक है अभी हमारे पास लिखित डेटा नहीं है, लिखित डेटा होगा मैं बता दूंगा, लेकिन मैं इतना दावे के साथ बता दूं कि आदित्यनाथ की सरकार से 2012-13 में रोजगार दिया गया, ये जाके डेटा कर लेंगे, अगली बार मैं रख दूंगा, आप पवन जी तक पहुंचा दीजिएगा, मेरे पास डेटा है मयंक जी, मेरे पास डेटा है, हमारे पास डेटा है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, सुनिए सुनिए हम हमारे पास डेटा उपलब्ध है मयंक जी, परेशान मत होइए, ना हम समाजवादी पार्टी के, ना भाजपा के हैं, ना कांग्रेस के, पहले समझ लीजिए आप, हम किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं, जो सच्चाई है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये सच्चाई है कि पिछले 25-30 सालों में उत्तर प्रदेश का बेड़ा नर्क हो चुका था, ये है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है पिछले 5 सुनिए 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 मेरी बात सुनिए मयंक जी सुनिए पहले पहले मयंक जी पूरी अरे सुनो तो पूरी बात तो सुनो मयंक जी मयंक जी पूरी बात सुनिए मयंक जी सबसे डेली अपराध हो रहे हैं आपने एक भी टिप्पणी की नहीं की ना मयंक जी पूरी बात तो सुनिए प्रवक्ता बनकर आए हैं अरे भैया सुनो सुनना सीखो मयंक जी पहले सुनना सीखिए हमारी पूरी बात होने दीजिए हमने कहा है कि पिछले 25-30 सालों में सुनिए पिछले 25-30 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक पार्टी ध्यान नहीं दिए हैं एक बात दूसरी बात पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार थी आदित्यनाथ योगी जी की कागज पे ही विकास हुआ है ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को जो योजनाएं फीता आपके पार्टी ने किया था उसको पूरा किया उन्होंने लेकिन अगर रोजगार की बात करिए आर्थिक की बात करिए इन्वेस्टमेंट की बात किए बहुत सारा हुआ जब योगी जी की सरकार आई पहले साल में 5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ कहां हुआ धरातल पे नहीं दिख रहा है मेरी बात को कान खोल करके सुनिए और जवाब, किसी जवाब के सामने किसी के सामने ठीक है जवाब लेते हैं 2012-17 अखिलेश यादव जी की सरकार में जो डेटा था रोजगार का वो आप बता दीजिए 17 से 22 योगी आदित्यनाथ का वो बता दीजिए हम दोनों का क्यों बता रहे हम तो दोनों को बता रहे हैं ना काम नहीं किया है कितना आया इन्वेस्टमेंट जितना आया वो भारतीय जनता पार्टी दूसरे प्रदेशों की सरकार उससे बना ली है जो MOU साइन हुए थे वो धरातल पर उतरे नहीं है वो सिर्फ कागजों पर ही रह गए यहाँ पे आप ये बताइए कि
गिनती में कितने रोजगार अखिलेश यादव जी की सरकार में दिए गए और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में दिए, अगर आप विश्लेषक है इतना बता दीजिए भाई साहब। हेलो मयंक जी, मयंक जी पहले तो आप जान लीजिए, परिचय जान लीजिए, राजनीतिक विशेषक कह रहे हैं आप, ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन आप दोनों यहाँ पे मयंक जी और प्रदीप तिवारी जी आप दोनों विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, और हम लोग देखते हैं भैया 17 साल हो गया देखते हुए पत्रकारिता क्षेत्र में, और आपके अखिलेश यादव जी जब चुनाव 20 बार विधानसभा लड़े हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी ने सपोर्ट किया था, आपको ध्यान होगा, आप लोग यहाँ पे बहस कर रहे हैं किसको क्या दिखाना चाह रहे हैं, जनता मूर्ख है, जनता मूर्ख है, बताइए आप लोग यहाँ पे एक दोनों विरोध करते हैं और आपसी में जहाँ सीट जीतने वाली होती है हारने वाली होती है, आप बताइए। प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, प्रदीप जी जल्दी से। विरोध करते हैं और रखना नहीं चाहते मगर कुछ होता क्या, जैसे इस समय पवन जी पक्ष जो बातें कह रहे हैं हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ना बोल रहे हैं, जब सामने वाली जनता बैठ के या हम लोग सुनते हैं तो वो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी प्रवक्ता के रूप में बातें करते हैं। नहीं, जनता के तौर पर सुनते हैं तब जी, क्या कह रहे हैं, जनता के तौर पर सुनते हैं तब लगता है कि बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं, बिल्कुल जनता के रूप में या प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि कौन किस फेवर में बोल रहा क्या कर रहा है। अब बात कर रहे थे जैसे पवन जी की भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ये चीजें आई और कुछ चीजें उसमें से धरातल पे नहीं उतरी, मगर हाँ फिर भी अखिलेश जी की योजनाओं को उन्होंने पूरा करके इस तरीके से डेवलपमेंट कर दिया और डेवलपमेंट पे वो जीत गए। ठीक है, रोजगार तो सब दोगे जब कोई परीक्षा ही सही से करा पाओगे, ठीक है, परीक्षा तो सही से करा नहीं पाते हैं। वर्तमान में इंटर की परीक्षाएं चल रही, उनमें भी पेपर लीक हो जा रहा है, पूर्व में जितनी परीक्षाएं हुई आप किसी भी कॉम्पिटिशन का देख लीजिए, लगा करके जुलाई 2017 से लेकर के आज तक देखेंगे तो 10 से 12 पेपर आपको मिलेंगे, चाहे नलकूप चालक का हो, चाहे एसएसबी का पेपर हो, यूपीपीसीएल का पेपर हो, पेट का पेपर हो, टेट का पेपर हो, बीएड का पेपर हो, आप लगातार गिनती करते चले जाएंगे, दरोगा भर्ती का पेपर हो, कितने पेपर मैं आपको गिनवा दूं, तो कोई पेपर तो करवा नहीं पाते हो आप, रोजगार क्या दोगे। ठीक है हेमंत जी क्या कहना चाह रहे थे आप, अभी आप कुछ बोल रहे थे। उन्होंने एक्सेप्ट ये किया कि हम डेवलपमेंट पे जीते हैं, मतलब कम से कम उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हम डेवलपमेंट पे जीते हैं, हम डेवलपमेंट पे जीते हैं, हम सुशासन लेकर जीते हैं, अपनी ये आपके आपकी बाणी है कि हम व्यापारियों को सुरक्षा देकर जीते हैं, जनता जानती है किस तरह से लाल से मुक्ति दिलाकर जीते हैं, एक एक करके बोलिए भाई, एक एक करके प्लीज। ये जो गाजियाबाद व्यापारी हेमंत जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का भी शेयर है, हम जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी लूट का माल देते हैं क्या, जिलों का चला अभिषेक करके और हम जीते वाले ये समाजवादी पार्टी से मयंक यादव हैं, ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे जीते हैं, लेकिन ये जो गाजियाबाद और अन्य जगहों पर आपराधिक मामले बढ़े हैं, हो रहे हैं, इसमें क्या बीजेपी का शेयर भी है, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई। ये तो अरे भाई कानून व्यवस्था पे जीतते हो, ये भी तो कानून व्यवस्था का हिस्सा है ना, कानून व्यवस्था पे आपको जीत मिली है तो ये बताइए, अरे गिफ्ट दे रहे हो भैया की झूठ हो रही है, डेली व्यापारियों से आम जनता से झूठ हो रही है। अरे एक अपराधी उठी पश्चिम उत्तर प्रदेश में पकड़ा जाता है बुलंद शहर में, बोलिए बोलिए हेमंत भाई, अरे ये AK-47 वाले अपराधी कहाँ से लेके आ भैया, 1300 गोलियां 1300 बुलेट उसके पास निकली है, क्या इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का शेयर है, इसके भी MOU साइन किया भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ बोलिए हेमंत जी, बहुत अच्छी जानकारी होगी, हेमंत जी आवाज मिल रही है आपको, क्योंकि आप जो जिस कानून संसद के मुद्दे पर क्या है गाजियाबाद आरोपों का जवाब को जनता इनको दे चुकी है, इनके आरोप लगाने के सिवा कुछ है ही नहीं, हो रहा है लूट हो रही है, आप लोगों का क्योंकि उन अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है प्लीज, हो गया आप लोगों का, हो गया पवन जी, लास्ट कमेंट में आपसे जानना चाहूंगा,
जितने भी चीजें आज के दिन भर में हुई हैं राजनीतिक, चाहे वो बीजेपी के स्थापना दिवस में परिवारवाद के बयान की हो गई हो या अखिलेश यादव के बयान की हो गई हो या आपके आपने जो भी अपना पक्ष रखा उस पर राजनीतिक दलों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई उसको लेकर के क्या कहना है लास्ट कमेंट में आपका? नितिन जी देखिए, सच्चाई लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम सपोज करिए समाजवादी पार्टी की बातें, अगर हम उन्हें कहा कि विकास की योजनाएं उन्होंने बहुत सारे लाए, डेवलपमेंट नहीं कर पाए, फीता काट दिया, तो तब तक तो अच्छा लगा, जहां फीते की बात आई तहां इनको लग गया कि भाजपा कह रहे हैं कि बीजेपी वाले फीता काटते आए। उसके बाद में अगर हमने भाजपा की बात कर दी कि भाई इनकी सरकार अच्छी थी, 5 साल था, लेकिन जो है पहले 1 साल में जब इन्वेस्टमेंट की बात आई 5 लाख करोड़ आया, धरातल पे नहीं आया, जब तक 1 लाख आया, 5 लाख करोड़ पे आया तब तक तो अच्छा लगा, जब हमने कहा धरातल पे कुछ नहीं आया तो उनको अच्छा नहीं लगा। प्रदीप जी की बात करिए, अगर हमने मुखिया की बात करें, देखिए जो हम लोग देख रहे हैं पिछले 20-25 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जब से कांग्रेस पार्टी, पिछला क्या था, कौन था, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग थे जिनको हम लोग हृदय में बसाए रहते हैं, वो समय अलग था। लेकिन जो आज हम लोग देख रहे हैं कि एक ही पार्टी के वही अध्यक्ष बने रहते हैं, मेन अध्यक्ष पद का ही होता है, दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो कहा बाहर से गांव से ला करके अध्यक्ष पद पर बैठा देती है, महामहिम बना देती है, तो ये सब चीज़ें जनता के मन में जाता है। ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था की बात है नितिन जी, हम कहना चाहेंगे, अभी प्रदीप जी हमारे कह रहे थे कि पेपर लीक का मामला, तो कहीं ना कहीं कानून पे और इस सब पे बीजेपी को बहुत ध्यान देना होगा, बहुत सारी, और ऐसे मामलों पे हमारे पत्रकार साथियों पे ही जो है जब वो खबर को दिखाते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है, ऐसा हुआ है, तो उन्हीं को आरोपित बना करके उन्हीं को जेल में ठूस दिया जाता है, बहुत सारे आरोप लगते हैं। ये सब सरकार को देखना होगा, नजरअंदाज नहीं करना होगा, आप जबरदस्ती किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, मुलजिम नहीं बना सकते हैं, आप अगर आपकी कमियां लोगों को बताते हैं तो उस पर आपको एक्शन लेना होगा, इस सब पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से काम करने लगी है, आज बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया है और साफ तौर पर इस बात को कहा है कि आने वाले दिनों में भी जिस तरह से बीजेपी ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में और केंद्र में 7 साल में योजनाएं जनता के हित में लाई हैं, उन्हें क्रियान्वित करवाया है, उसी कड़ी में इन योजनाओं को और बेहतर करके जनता के हित के लिए उतारा जाएगा। लेकिन विपक्षी दल क्या आसानी से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काम करने देंगे, ये भी एक अहम सवाल है। फिलहाल आज के डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर।